रैशनलाइज चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में है लिखा इन्होंने यूज अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी एंड फाइंड। क्वेश्चन है -2x/3 × 3/5 + 5/2 - 3/5 × 1/6। इस क्वेश्चन में हमें प्रॉपर्टीज लगानी है, जिसमें एक कम्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। जो कम्यूटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या करती है, वो जैसे ये पूरा एक मल्टीप्लाई में है, ये पूरा एक है, ये अकेला है 5.2, और ये भी मल्टीप्लाई में पूरी एक टर्म है। इसमें ये क्या करता है, कम्यूटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, जैसे हम इसको इधर ला सकते हैं, इसको इधर लेकर आ सकते हैं। जैसे पहले स्टेप में हमने करा, देखिए -2/3 × 3/5 है, इस पूरे को हमने उठा के इधर ले आए हैं -3/5 × 1/6, और ये पूरा उठ के पीछे चला गया। वो कि मतलब हुआ क्या, हमने उनकी जगह चेंज कर दी। जगह क्यों चेंज करी, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि ये 3/5 है, ये भी 3/5 है, ये 3/5 इस टर्म में, ये 3/5 इस टर्म में। हमने क्या करना है, ये 3/5 ये 3/5 कॉमन लेंगे। कॉमन तभी ले पाएंगे जब ये दोनों पास पास होंगे। तो हमने क्या करा, इनको पास पास ले कर आए, किसकी प्रॉपर्टी से, कम्युनिटी प्रॉपर्टी से। उसके बाद हमने क्या करा, ये दोनों पास पास आ गए, यहाँ से 3/5, यहाँ से 3/5 हमने क्या कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा, -2/3 बचा, ये माइनस साइन यहाँ आ गया, और यहाँ से क्या बचा है, 1/6 बचा, जो यहाँ पर आ गया ब्रैकेट क्लोज, और ये ऐसे का ऐसे नीचे आ गया। ये कॉमन लेने को क्या कहते हैं, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद हम बॉड मास लगाएंगे, ये यहाँ आ गया। अब इसमें एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 3 के टेबल में 6 कितनी बार जाता है, 2 जा, माइनस साइन ऑलरेडी है, सी है, माइनस साइन ऑलरेडी है, तो 3 के टेबल में 6 कितनी बार जाता है, 2 जा, और 2 ऊपर से आएगा, मल्टीप्लाई हो गया, 6 के टेबल में 6 बन जाता है, 1 × 1 ही रहेगा, माइनस साइन ऊपर से आएगा, ब्रैकेट क्लोज, +5.2। अब ये ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, साइन किसका है, माइनस का, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या माइनस का साइन ऐसे आ गया, 6 वैसे के वैसे ब्रैकेट क्लोज, +5.2। उसके बाद 3/5, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस साइन आएगा 5/6 ब्रैकेट क्लोज, +5.2। उसके बाद ये यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई मतलब हमने ब्रैकेट हटाया, मल्टीप्लाई साइन लगाया, 5 और 5 कट गया, यहाँ पर बचा -1, ये पूरा कट गया, 3 बन जा एंड 3×2 = 6 कट गया, +5/2 ऐसे आ गया। अब यहाँ पर बचा 1/1 −1/2 +5/2, ये माइनस जी इसके 1 के साथ है, यहाँ पर ये बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हुई तो -1 आ गया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई आएगी तो 2 आ गया, यहाँ 5.2 ऐसे आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम आया 2, अब 2 के टेबल में 2 कितनी बार जाता है, 1 जा जाता है, तो 1 × −1 तो 1 आएगा, 2 के टेबल में 2 कितनी बार जाता है, 1 जा जाता है, 5 × 1 कितना आएगा, 5 आएगा। अब ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तो कितना बचा, प्लस का 4, और नीचे क्या था, 2 बचा, तो 2 × 1 = 2 × 4, तो आंसर क्या है, 2। ऐसे ये करना है, इनमें बॉड मास भी लगेगा और ये प्रॉपर्टीज़ भी लगेंगी। ठीक है।